क्या हो कसम तेरी मोहब्बत की, तू किसी को जीने नहीं दिया। कसम तेरी मोहब्बत की, तू किसी को जीने नहीं दिया। अरे जिसे एक बार डस लिया उसे पानी भी पीने नहीं दिया। क्या बात है बाबा। डिजिटल मीडिया प्रेस एसोसिएशन की टीम आज आई हुई है अजमेर, और दोस्तों मेरे साथ में सागर अली मस्तान साहब है, जो कि काजू बादाम वाले बाबा के नाम से फेमस है। आज से करीब 3 साल पहले मैंने इंटरव्यू करा था बाबा का, जिसमें लोगों ने बाबा को, तो बाबा को मुझे भी काफी गालियां दी थी। जो जाहिल लोग थे, जो पूरा वीडियो नहीं देख पाए थे, समझ नहीं पाए थे बाबा की बात को, उन लोग फितना है दज्जाल, कौम के फितने, कौम को बदनाम कर रहे, ये सब बोला था। तो आज हम वही सब चीजों को क्लियर करेंगे। आज हमारे साथ बाबा मौजूद है, तो आइए आप जानते हैं बाबा से। बाबा आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, और बाबा कैसे हो आप, क्या चल रहे सब? करम है अल्लाह का, बहुत अच्छे से है बाबा। काफी टाइम बाद आज हम मुलाकात कर रहे हैं बाबा। किस तरीके से आज अजमेर में क्या माहौल चल रहा है, कैसा क्या चल रहा है बाबा, आप कुछ बताइए अपने बारे में। मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मेरी जान, जान मेरी जहान तेरी, नजर मेरी नजारा तेरी, जिंदगी मेरी बंदगी तेरी। क्या बात है। मेरे बारे में दुनिया वाले लाख बुराई करे, लाख बुरा सोचे, लाखों कोई भी मुझे गलत समझे, मगर अल्लाह जिसको इज्जत देता है उसको कोई दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्या बात है। सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी दौलत इज्जत है। इज्जत, मगर अल्लाह जिसको इज्जत देता है उसको कोई दुनिया कुछ बुराई करे, लाख बुरा सोचे, लाखों कोई भी मुझे गलत समझे, मगर अल्लाह जिसको इज्जत देता है उसको कोई दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्या बात है। सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी दौलत इज्जत है। इज्जत से बढ़ के कोई दौलत नहीं। मैं किसी के पीछे नहीं दौड़ता हूँ, दुनिया मेरे पीछे दौड़ता है, मेरे पीछे दौड़ता है। हजारों आदमी बाबा सेल्फी, बाबा सेल्फी, क्या है मेरे तन सूरत में, क्या है मेरे सूरत में, मैं पूछना चाहता हूँ। जो लाखों आदमी सेल्फी सेल्फी ले रहा है, क्या है मेरे सूरत में, आए? जो मेरे सूरत में वो मेरे तकदीर में नहीं, और जो तकदीर में है वो मेरे सूरत में। क्या नहीं। बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत काजू बादाम देना गुनाह है क्या, आए अंजीर खिलाना गुनाह है क्या? दुनिया वाला फतवा चालू कर रहा है, बाबा काजू खिलाता है, बाबा ढोंगी है। अरे मैं ढोंगी सही, मगर मेरा ढंग निराला। मैं आशिक सही, मगर मेरा सियाना निराला। मैं दीवाना सही, मेरी दीवानगी निराला। मैं आशिक सही, मेरी असियाना निराला। मैं दीवाना सही, मेरी दीवानगी निराला। अरे मैं पागल सही, मेरी पगलपंती निराला। जो मुझको जाना वही पहचाना, अनजान क्या पहचानेगा जिसको खुद की पहचान नहीं। बहुत जिसको खुद की पहचान नहीं। यहाँ तो मेरे इमाम हुसैन पर दुश्मन लोग लगा, मेरे कुरान का दुश्मन लोग बना, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन लोग बना, मेरे अल्लाह का दुश्मन लोग बना, मगर दुश्मन खुद मिट गया, मगर मेरे इमाम हुसैन की नाम को नहीं मिटा सका, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम को नहीं मिटा सका। दीन कल भी जागा है, दीन आज भी जागेगा, अब मरते दम तक कयामत तक मेरे नबी का दीन जागेगा। हम तो उम्मत है, खताबार सही, गुनेगार सही, मगर मैं नबी का उम्मत हूँ, जो मेरी जिंदगी चल रही है, जी रहा हूँ। जो कल मेरा आलम था वही आज आलम है। जब तक हम पर्दे में थे कोई जानता न था, दुनिया वाले ने पर्दा उठा के मुझको जाहिर कर दिया। खता तो कुछ भी न था, फिर भी खताबार बना दिया। बिन गुनाह तो जिंदगी नहीं, जिसमें गुनाह शामिल नहीं वो जिंदगी नहीं। क्या बात, क्या बात है दोस्तों। बाबा हमारे को दिखा रहे किस तरीके से इनकी कलाकारी है, किस तरीके से करते हैं, जो लोग इनके पर काफी उंगलियां उठाते हैं, आज कुछ देख लीजिए। लो खाओ, उठाओ दोस्तों, ये बाबा की करामत है, उठाओ, इनकी हाथ की कला है ये। एक हाथ क्यों, प्ले करो, प्ले करो,
स्टार्ट है ना, चालू है। हाँ, ये बाबा की कलाकारी है, ये इनकी सफाई हाथ की, जो बाबा खुद कहते हैं, जो लोग इनके बारे में उंगलियां उठाते हैं, सफाई है। कैसे दिखा? दिखाओ तो दिखाओ बाबा, एक बार फिर देखिए। अभी काजू बादाम आया था, आप देखिए, देखिए फिर काजू बादाम आया। बाबा का बार बार हाथ नीचे भी हो रहा है, ऐसा काफी लोग बोलते हैं भाई यहाँ फंसा है। तो ऐसा कोई इंसान साइंसली भी अगर आप देखते हो साइंस के माध्यम से, तो लोगों को ऐसा प्रैक्टिकली करना बहुत पॉसिबल ही नहीं है। देखो ये बाबा की चीज है, वो मस्तान है, अपनी मस्ती में दो, इनको मस्ती में रहने दो। क्या बात, टूटे हुए आईने पे तस्वीर क्या देखे, टूटे हुए आईने पे तस्वीर क्या देखे, जिसकी तकदीर बिखर गई वो सितारों को क्या देखे, क्या बात है, क्या बात। जिसकी दुनिया उजर गई वो चमन को क्या देखे, क्या बात है। बहुत बढ़िया। कसम तेरी मोहब्बत की, तू किसी को जीने नहीं दिया। कसम तेरी मोहब्बत की, तू किसी को जीने नहीं दिया। अरे जिसे एक बार डस लिया उसे पानी भी पीने नहीं दिया। क्या बात है बाबा, क्या बात है। दिल लगी से हमने दिल लगाया, दिल लगी से हम दिल लगाया। दिल लगी के घर गया, दिल लगी मुंह से भी ना बोला, पानी से भी ना पूछा। मैं दिल लेकर बेमौत मर गया। अरे मौत जरा ठहर जा, आखिरी दीदार करने दे, जाना है तो यहाँ से। दिल लगी आ रही है, जरा दिल की बात तो कहने दे। क्या कहना, हेलो मेरी जान। साकिर को भी लोग फरेबी कहता है, बताइए ये किसी का क्या लेगा जो इसको भी लोग फरेबी कह रहा है। दोस्तों इस वीडियो में काफी लोगों ने जो कहा, अरे सुनो यार, तुमको भी लोग फरेबी कहता है वीडियो में। हाँ, मेरा वीडियो इंटरव्यू लिया ना जी, बिल्कुल। तुमको भी फरेबी कहता है और मेरे को भी फरेबी कह रहा है। काजू बादाम खिलाता है इसलिए फरेबी कह रहा है, इंटरव्यू लिया इसलिए इसको फरेबी कह रहा है। क्या ये फरेबी है, क्या मैं फरेबी, फरेबी दुनिया है साला, ये दुनिया ऐसा फरेबी है, ऐसा फरेबी है कि खुद को पता नहीं लोगों का पता ढूंढने चला। क्या बात है बाबा, क्या बात है, क्या क्या बहुत बहुत। मस्तों को झूमना इबादत से कम नहीं। क्या बात है बाबा, सुभान अल्लाह। हम बीबी हाफिज जमाल रूठी रानी के महल में हमने 7 साल इबादत किया। अजमेर का दरोगा, एसपी, डीएसपी, सीए साहब, थानेदार साहब, हवलदार साहब, जितना सिपाही सब ने मेरी पहचान लिया। और अल्लाह का करम है, बहुत एहसान है खाजा का, जो हमको अजमेर में इज्जत मिला है। गरीब नवाज आता है रसूल का, हम टुकड़ों पर पल रहे हैं। उनकी एहसान है मेरे गरीब नवाज का, जो उनके टुकड़ों पर हम पले हुए। हम कोई वली नहीं है, हम वली का तो धूल भी नहीं, हम फकीर हैं, हम फकीर हैं, फकीर बेफिकीर है। हमको किसी का फिकीर नहीं, हम फकीर हैं, हम किसी से मांगते नहीं। कोई हमसे मांगता है तब हम पहले कहते कि 100 रुपया दे तब मिलेगा। अब बोलोगे 100 रुपया लेके मैं करता हूँ क्या हूँ? अब एक 25 आदमी का खर्चा चलाता हूँ, मस्जिद बनाया हूँ, बोलो तो मैं मस्जिद का क्या बोलता है केवाला दिखाऊं, मस्जिद का फोटो दिखाऊं। बाबा कहाँ पर मस्जिद बनाया? बिहार में बाबा, बिहार के रहने वाले, बिहार में। हाँ, मस्जिद कायम करे बाबा कह रहे हैं जी, मस्जिद बनाया हूँ। हमारे गांव में ऐसे बेनमाजी था, आज हम नमाजी बनाया हूँ। क्या बात है, बहुत। लोग ने बोला कि बाबा ये सब नमाजी लोग नहीं है, काहे को मस्जिद बना रहे हो? तो हमने कहा मस्जिद बनाना मेरा काम है, लोगों को ईमान देना मेरा रब का काम है। आई अल्लाह का एहसान है कि हजारों आदमी नमाज पढ़ता है, जुमा का 5 वक्त का नमाज पढ़ रहा है, बहुत आलीशान मस्जिद बना है। और 25 आदमी का खर्चा चला रहा हूँ। कोई मैं शराब नहीं पीता, कोई मैं दारू नहीं पीता, कोई अय्याशी नहीं करता, कोई जुआ नहीं खेलता, मगर लोग फिर भी हमको गलत कहता है, बाबा ढोंगी है, बाबा ठगता है। मैं किसी का क्या तकदीर ठगूंगा, जो खुद ही ठगाना है। लंबा लंबा टोपी वाला आर्मी में बोलता था,
है ऐसे मुसलमानों, ये काजू बादाम वाले के चक्कर में मत पड़ो। कौन कहता है कि मेरे चक्कर में पड़ो? मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे चक्कर में पड़ो, वही जो कहता उसी के चक्कर में पड़ो। है कभी टोपी सीधा लगाता है, कभी टोपी उल्टा लगाता है। जिस्म की मौत है, रूह की मौत नहीं। जिस्म मर जाता है, गिर जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, मट्टी में मिल जाता है, मगर रूह एक ऐसी चीज है, न जलता है, न वो मरता है, न वो गरता है। रूह ऐसा जिंदा है जो रब ने पैदा बुलता से बुलता किया। हिंदी में कहता है आत्मा, उर्दू में कहता है रूह, फारसी में कहता है हरफा। हरफा औरत के पेट में जब बच्चा आता है तो 9 महीना तक औरत पूरा घर का काम करेगी। बच्चा बेदम, माँ में है दम, तब पूरा काम करेगी। जब बच्चे में दम आता है, साकिर बाबू, बच्चे में जब दम आता है तब उसकी माँ को दर्द आता है। दम आया तो दर्द भी आया, दर्द के साथ दम आया। दम कहता है सांस को, सांस जो चलता है, दम जो चलता है उसको दम कहते हैं। वो दर्द के साथ है, माँ का दर्द के साथ। और रूह और नूर, नूर कहता है रोशनी आंखों को, रूह कहता है बोलता को। ये दोनों जो है वो नफ्स के साथ है। नफ्स कमजोर हुआ, रोशनी भी कमजोर हुआ, बोलता भी कमजोर हुआ। रूह और नूर नफ्स के साथ है। मन हरफा नफ्से हूँ, फकत हरफा रब्बे हूँ। जो नफ्स को जाना वो रब को पहचाना, जो नफ्स को नहीं जाना वो रब को नहीं पहचाना। बहुत अच्छी बात है बाबा। हाँ जी दोस्तों, आज हमारा दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद ये था कि एक मिनट बाबा की बात हो जाए। हाँ बोलो, मैं कट कर दूंगा, कट कर भाई की तरफ। हाँ जाना रखो, बाद में बात करता हूँ भाई साहब, बोलो। दोस्तों मैं आज हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये था, जो कि हमने पहला वीडियो बनाए थे, लोग काफी सारी नेगेटिविटी बात करते हैं, बाबा ठरकी है, बाबा झोलर है, बाबा कौम को बदनाम करे। दोस्तों क्या बदनाम कर रहे, ख्वाजा सरकार हिंडलवली के दर पर है ये। आज से नहीं, एक जमाने से, 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ इनको। 3 साल पहले इनका वीडियो बनाया, टिकटॉक से इनका वीडियो वायरल हुआ था, काफी लोग कमेंट करने लगे, बाबा चोर है, बाबा ये ढोंगी है, यहाँ से बादाम रख के यहाँ से निकालते। दोस्तों कुछ भी उनकी कला है, वो खुद कह रहे कि मेरी कला है, मेरी हाथ की सफाई है, वो मेरी पर्सनल चीज है, मैं किसी के दर पे नहीं जा रहा हूँ। क्या भाई लोग काजू बादाम खाओ और इतना पैसा दो? कला है, देखो पूरी कला है जी, पूरी कला है। पूरी कला है। क्या बात है बाबा, क्या बात है बाबा, दिखाइए। अरे माशाल्लाह दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग, ये अंजीर है, अंजीर इसे अंजीर कहा जाता है, काफी महंगी मिलती है। तो आपके सामने काफी लोग, सुभान अल्लाह दोस्तों, बोल बोल बोल। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये था, कभी हम मर जाएंगे पर दीन को बदनाम नहीं करेंगे। ये दोस्तों लोगों को दिखाने के लिए उनकी एक पर्सनल चीज है, वो ना दीन को, कोई चीज को वो अपने आप को जादूगर हाथ में रखता था ही या गिरता ना, वो जादूगर है, वो सिर्फ एक चलते फिरते फकीर है जो ख्वाजा साहब के दर पे काफी सालों से बसे हुए। इनके चाहने वाले सिर्फ ऑल ओवर यहाँ पर महाराष्ट्र में, ये सॉरी गुजरात राजस्थान में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर इंडिया में काफी सारे लोग इनको जानते हैं। और दोस्तों ये किसी के पास नहीं जाते, लोग इन्हें जब रोड पर देखते खुद भागते हुए आते, अरे बाबा एक सेल्फी, बाबा काजू बादाम खिलाओ, बाबा ये खिलाओ, तो बाबा मुंह से बोल देते भैया 100 रुपए दो हम दिखाएंगे। देखिए इंसान का पेट है, अल्लाह ने पेट है, 2 वक्त की रोजी जाती है, तो खाना खाएगा इंसान, अपने आप को चलाएगा, रात दिन यही रहते। अगर ये कुछ छू छा ऐसे फ्रॉड रहते तो ख्वाजा साहब अब तक कब से इनको छू कर देते। बट सरकार काफी टाइम से सरकार के दर पर, 35 साल से यहाँ पर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो खुद नमाज नहीं पढ़ते, खुद दीन को फॉलो नहीं करते, वो लोग कमेंट में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बाबा ये
फितना है दज्जाल है, फितना है ये है, कौम को ये कर रहे, वो खुद एक मस्जिद मस्जिद को तामीर कर चुके हैं। और दोस्तों इसके पीछे मैं खुद प्रैक्टिकली से ये चीज के बारे में जानूंगा, मस्जिद के बारे में इन्होंने आज बताया ये चीज के, और काफी टाइम पहला भी मुझे इन्होंने मस्जिद के बारे में कहा था। तो दोस्तों ख्वाजा साहब की नगरी है, हर कोई अच्छे से अच्छा मस्तान झूमता है अपने अपने भेस में, तो ना किसी के ऊपर कीचड़ उछालो ना किसी को बुरा भला बोलो। अगर आपको गरज है, अगर मस्जिद का नाम रखा हूँ गरीब नवाज मस्जिद, गरीब नवाज मस्जिद है, इसके बारे में भी इंशाल्लाह हम डिटेल बनाएंगे आने वाले टाइम में। बिहार अगर हम जाते हैं तो बाबा की मस्जिद में जरूर जाके वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों मेरा यही कहने का मतलब है, ना मैं मेरे कौम का दुश्मन हूँ ना बाबा, मेरा जो फर्ज था वीडियो बना के लोगों के सामने सच्चाई लाने की, मैंने वो लाया। और दोस्तों अल्लाह ने पहली चीज बताया नमाज, फिर माँ बाप की खिदमत, फिर दीन के रास्ते पे चलना, सबके साथ अच्छा करना, किसी के साथ में गलत नहीं करना, पांच वक्त की नमाज पढ़ना, घर वालों को हज उमरा करना, जकात देना, ये हमारे इस्लाम में फर्ज है। और ये भी फर्ज है क्या, किसी के ऊपर आप उंगली मत उठाओ, हमेशा सबकी मदद करो। तो हमारी कौम आज बस ये चोर है, ये झोलर है, ये ढोंगी है, ये फ्रॉड है। मेरे को यूट्यूब पे पैसा नहीं कमाना है, ना मेरे आप चैनल पर देख सकते हो कितने वीडियोज है, मैं खुद कभी कभार वीडियोस डालता हूँ। बाबा मिल गए, बाबा से एक अलग ही मोहब्बत है, हंसते खेलते, बाबा ने आज तक मेरे से एक रुपया नहीं मांगा, हालांकि इतना इनके साथ में मैं उठा बैठा खाए पिए, मेरे को नहीं बोले भैया पैसा दो कुछ दो। अरे वो मस्तान है, वो चलते फिरते हो कहीं ना कहीं से इनको मिल ही जाता है। तो दोस्तों हम कौन होते किसी के ऊपर उंगली उठाने वाले, बस मैं यही कह रहा हूँ। और राजस्थान के काफी सारे अधिकारी, काफी सारी पार्टी के बड़े बड़े पोस्ट होल्डर भी इनकी इज्जत करते, सलाम दुआ करते। दोस्तों ख्वाजा साहब की नगरी में अगर हम किसी के ऊपर उंगली उठाए तो समझ लेना आज नहीं तो कल वो उंगली अपने तरफ खुद उठेगी। तो इसके लिए किसी की तरफ उंगली मत उठाओ, बाबा जैसी मस्ती में जी रहे उनको जीने दो। बाबा आप एक मुझको रुस्वा ना करे, लोग हमको कितना मुसलमान है ना मौलवी लोग, आलिम लोग, मौलाना लोग अल्लाह रसूल का तकरीर छोड़ देता है, हम ही पर तकरीर चालू करता है। अरे तकरीर करो मेरे महबूब के सामने, तकरीर करो मेरे हुसैन के सामने, मौला हुसैन है उनके नाम का तकरीर करो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का तकरीर करो, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, वो सबके नाम का तकरीर करो। ये सागर बाबा ढोंगी है, इसके चक्कर में मत पड़ना। अरे कौन कहता है मेरे चक्कर में पड़ो, कौन कहता है, मैं कहता हूँ कि मेरे चक्कर में पड़ो, हम खुद ही चक्कर में खा जाके, सही बात है, बहुत बहुत हम खुद ही है खा जाके चक्कर में। दोस्तों यही मेरा मैसेज था कि सब लोग आप अच्छे रहिए, दीन को फॉलो करो, नमाज रोजा पढ़िए। बाबा खुद काफी बार ये खुद इनके जेब में टोपी आप दिखाइए, ये खुद काफी बार टोपी पहन के नमाज पढ़ते हम लोगों को दिए। बाबा आपके पास टोपी जो उतारे थे अपने, टोपी कहाँ गई बाबा की, यही रखी हुई थी, देखिए बताइए, ये खुद बाबा की टोपी वहां रखी है, खुद जेब में फोल्ड करके बाबा टोपी रखते। तो दोस्तों ऐसा कभी मत बोलो कि दीन के कौम के दुश्मन हाँ। कुछ नहीं, ये गलत बात है, अफवाह मत उड़ा, वो मस्ती में जी रहे, जीन दो उनको। आपके सामने आज आ गई बातें, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। बाबा आप आखिरी मैसेज क्या देना चाहोगे? क्या आई हो सिंगार करके, चेहरे पे नकाब नहीं, शुक्र है खुदा का तुझ पे नियत खराब नहीं। क्या बात, क्या बाबा बहुत बहुत शुक्र। शान मेरी सनहा तेरी, जान मेरी जहान तेरी, जिंदगी मेरी तो बंदगी तेरी, नजर मेरी तो नजारा तेरा। बाबा बहुत खूब, बहुत खूब बाबा, बहुत सुभान अल्लाह रब्बुल आलमीन, सुभान अल्लाह रब्बुल आलमीन, सभी के लिए दुआ करता हूं, दुआ भी कर दीजिए बाबा साहब। हाँ दुआ, हम तो उस मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं जिसके पास मुसल्लम ईमान हो, उस मुसलमानों के लिए दुआ करेंगे जिसके पास गरीबों फकीरों का मोहब्बत हो, हम उस मुसलमानों के लिए दुआ करेंगे
जिस मुसलमानों के जिंदगी में वलियों से मोहब्बत हो। सुभान अल्लाह, बेशक। हम उस मुसलमानों के लिए दुआ करेंगे जिसके सीने में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो। मेरे मोहम्मद पर जो फिदा होगा, कसम अल्लाह की दोनों जहां में उनका बोल वाला होगा। क्या बात है, क्या बात, बहुत बहुत बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो थैंक यू सो मच, चलते हैं।